आपकी स्किन पर भी अगर बहुत ज्यादा कालापन हो रहा है, दाग धब्बे, छुरिया, झाइयां बढ़ती जा रही है, तो बेसन में कुछ चीजों को मिक्स करके ये रेमेडी तैयार कर लीजिए। आपकी स्किन एक बार में ही ग्लोइंग, ब्राइटनिंग, व्हाइटनिंग दिखने लग जाएगी। साथ ही स्किन जो लूज हो रही है, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, डार्क पैचेस पड़ रहे हैं, तो उन सबको दूर करने के लिए आप लोगों के साथ एक डीएवे क्रीम भी शेयर कर रही हूँ, जो की एक बार में ही आपको असर दिखने लग जाएगा। आपकी स्किन बहुत ज्यादा टाइट होने लगेगी, खूबसूरत जवा दिखने लग जाएगी और गोरी, चमकदार, बेदाग होने लग जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और आप लोग का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। सभी के सीजन में जो स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, उन सबको दूर करने के लिए आप लोग के लिए कुछ होम रेमेडी शेयर करें, जो कि एक फेस पैक और एक डीएवे क्रीम बता रही हूँ, जो आपके स्किन को तेजी से निखारेगी और आपके स्किन पर अगर फेशियल हेयर हो रहे हैं, चेहरे पर जो अनचाहे बाल हो जाते हैं, उन सबको भी रिमूव करने में हेल्प करेगी और स्किन की जितने भी समस्याएं तो दूर होगी ही, साथ ही स्किन पे बहुत ज्यादा ग्लो आएगा, चमक आएगा, जिसको देखकर बहुत ज्यादा आप खुश हो जाने वाले हैं। तो आप भी अपने स्किन केयर रूटीन में इस रेमेडी को जरूर शामिल करिएगा। आपकी स्किन से पिंपल्स, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स जो हो रही हैं, डार्क पैचेस पड़ रहे हैं, उन सब को दूर करने में हेल्प करेगी आज की होम रेमेडी। तो बेसन में किन चीजों को मिक्स करना है, चलिए वो बता देते हैं। जिसके लिए सबसे पहले तो हमें बेसन चाहिए होगा, उसके बाद हमें लेना है एक खीरा, खीरे का टुकड़ा एक ले रही हूँ मैं, और इसको कद्दूकस कर लेंगे और इसका हम जूस निकाल लेंगे। तो खीरा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, अभी के सीजन में तो इतना ज़्यादा मिल भी रहा है और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, उसी प्रकार से हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। स्किन पर अगर सूजन हो रही है उसको दूर करता है, पिंपल्स की समस्या हो रही है, रैशेज पड़ रहे हैं, उन सबको खत्म करने में हेल्प करता है और स्किन पर जितने भी डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन है, झाइयाँ शाइयाँ जो हो रही है स्किन पर, उन सबको दूर करने बहुत ज़्यादा मदद करता है। खीरे का जूस निकालना एकदम बहुत ही इजी है, सिंपल, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं और इसका जूस निकाल करके आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, आइस क्यूब के जैसे बना करके भी आप इसको अपने स्किन पर रगड़ सकते हैं, जिससे झाइयां झुर्रियां भी हल्के होने लग जाते हैं। और स्किन एकदम कूल कूल, रिफ्रेश और क्लियर, स्मूथ भी दिखने लग जाती है। तो मैंने जूस निकाली है खीरे का और जो ऊपर का पार्ट्स बचा था इसको भी फेंकना है, नहीं इसी से हम अपना फेस क्लीन अप करने वाले हैं। तो बेसन में किन चीज़ों को मिक्स करना है वो बता देते हैं। तो रेमेडी फेस पैक जो बना लेते हैं उसके लिए हमने बेसन लिया है चने का। बेसन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्किन से दाग धब्बे, छुरिया, झाइयों को तो हल्का करता ही है, स्किन को अच्छे से साफ करता है और स्किन को निखारने में भी हेल्प करता है, जिससे स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, ब्राइटनिंग, व्हाइटनिंग दिखने लग जाती है। तो खीरे के रस में हमें मिलाना है बेसन, तो जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए हो फेस पैक उतना बना सकते हैं और फ्रिज में भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिला लेंगे, जो कि फेशियल हेयर को भी रिमूव करेगी और स्किन को ग्लोइंग भी बनाएगी और साथ ही अच्छे से क्लीन भी कर देती है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज्यादा अच्छा होता है, हमें डालना है, आप एक बार लगा करके देखिएगा, हल्दी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, स्किन को अच्छे से साफ करता है, निखारता है और जितनी भी टैनिंग हो रही है स्किन पर, जो कालापन हो रहा है, उन सबको दूर करता है, छुरिया झाइयों को हल्का करता है। उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी हनी ऐड कर लेंगे और हनी भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्किन में, पिंपल्स, रिंकल्स की समस्या को दूर करता है, स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग, ब्राइटनिंग बनाने में हेल्प करता है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हो गया हमारा फेस पैक बन करके रेडी। तो आप बना करके भी फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और इस रेमेडी को आप चाहे तो हर रोज भी लगा सकते हैं, नहीं तो हफ्ते में 2-3 दिन तो जरूर लगाइए, कोई भी स्किन पर प्रॉब्लम्स नहीं दिखेगी, कभी भी डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, इन सब की समस्या नहीं होगी, स्किन पर टैनिंग वगैरह नहीं रहेगी और स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग, बेदाग दिखने वाली है। तो इस रेमेडी को लगाना कैसे है वो बता रहे हैं वीडियो में आके। और हाँ फ्रेंड्स, अगर पहली बार आए हमारे चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करिए, आप लोगों का एक लाइक काफी ज्यादा मोटिवेट करता है हमें और आप लोग लाइक करना ही भूल जाते हैं और इसके पैसे भी नहीं लगते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना फेस क्लीन अप कर लेते हैं अच्छे से, स्किन को साफ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके बाद हम फेस पैक लगाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा और भी रिजल्ट्स आएगा। और इसके लिए क्या करना है, खीरे का जो कद्दूकस किया था, रस निकाले थे और जो ऊपर का पार्ट्स बच गया था उसको हमें डालना है कच्चे दूध में। कच्चा दूध अच्छे से स्किन को डीप क्लीन कर देता है, साफ कर देता है, स्किन के कालेपन को दूर कर देता है और स्किन बहुत ही अच्छे से साफ हो जाती है। वैसे इससे पहले हमने फेस वॉश भी लगाया था, फेस वॉश से स्किन को साफ की थी तो बहुत ज़्यादा स्किन क्लियर दिखने लग जाती है और स्किन डीप क्लीन हो जाती है और जितने भी स्किन पे मैल, कालापन, डर्ट, डस्ट ये सब निकल जाएंगे। तो इसके बाद हम फेस पैक अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा सा वर्क करने वाला है रेमेडी। और इस तरीके से आप अपना स्किन को साफ कर सकते हैं, स्किन को डीप क्लीन कर सकते हैं और कच्चा दूध और खीरे के टुकड़े से भी स्किन अच्छे से क्लीन हो जाती है और जितने भी डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन की समस्या है वो भी दूर होने लग जाते हैं। तो उसके बाद स्किन को साफ कर लेना है और गीले कपड़े से चाहे तो पोंछ सकते हैं और इतने में ही देखेंगे ना कि आपकी स्किन 2-4 सेट तो ऐसे ही लाइटन होती हुई नजर आएगी, बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग, ब्राइटनिंग दिखने लगे। और लास्ट में हम एक डीएवे क्रीम भी लगाने वाले हैं जो स्किन को बहुत ही ज्यादा टाइटनिंग बनाएगी, ग्लोइंग, ब्राइटनिंग बनाएगी, व्हाइटनिंग बनाने में हेल्प करेगी।
तो देख पा रहे हैं स्किन को अच्छे से हम साफ कर लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे ना स्किन बहुत ही ज्यादा जो है साफ दिखेगी, क्लियर स्मूथ दिखने लग जाएगी। और इसके बाद हम फेस पैक अप्लाई करेंगे। जब स्किन अच्छे से सूख जाता है तब हम फेस पैक अप्लाई करेंगे। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा अनचाहे बाल हो रहे हैं ना, तब भी आप इस रेमेडी को बना करके लगाइए तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अनचाहे बाल एक बार में नहीं निकलते हैं, उसके लिए आपको लगातार लगानी होती है और धीरे धीरे करके अनचाहे बाल खत्म होने लग जाते हैं। तो इस रेमेडी को इस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने हाथों से भी लगा सकते हैं। और लगाने के बाद 20-30 मिनट के लिए छोड़ना है, जब तक कि पूरे तरीके से सूख ना जाए। जब पूरे तरीके से अच्छे से सूख जाता है उसके बाद आपको अप डायरेक्शन में आपको हाथों को रगड़ते हुए स्किन को साफ कर लेना है, जिससे अनचाहे बाल कुछ कुछ हल्के हल्के होने लग जाते हैं, निकलने लग जाते हैं। जो छोटे छोटे पतले पतले से हेयर होते हैं ना, वो रिमूव होने लग जाते हैं। तो इस फेस पैक को पूरे फेस पे नेक पे लगा लेना है और 20-30 मिनट के लिए रुकना है। और इस रेमेडी को आप लगाने के बाद ही देखेंगे ना स्किन बहुत ही ज़्यादा चमकदार दिखने लग जाएगी। जो कालापन है, जो टैनिंग हो रही है स्किन पर, वो दूर होने लग जाएगी। आंखों के आसपास अगर डार्क सर्कल्स हो रही है ना, तब भी आप खीरे के टुकड़ों को रख सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं। इससे डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन तो दूर होते हैं, डार्क सर्कल्स भी खत्म हो जाते हैं बहुत ही तेज़ी से। तो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, पूरे फेस पे नेक पे हमने लगा लिया और 20-30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। पूरे तरीके से नहीं हुआ है, अभी सूखा नहीं अच्छे से, लेकिन उतने में बता रही हूँ इस तरीके से आप अपने स्किन के अनचाहे बालों को रिमूव कर सकते हैं। तो लगाने के बाद जब अच्छे से सूख जाते हैं तब रगड़ रगड़ के साफ करें तो अनचाहे बाल निकलने लग जाते हैं। लेकिन मैं अभी ऐसे ही रिमूव करके आप लोगों को बता रही हूँ कि ये रेमेडी कितने ज़्यादा जो है वो फर्क दिखेगी आपको स्किन पर, वो लाइव रिजल्ट्स आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से भी आप कपड़े से पोंछ सकते हैं। और गीले कपड़े से मैं स्किन को साफ करके बता रही हूँ कि इस तरीके से ये रेमेडी वर्क करी है, और वो आप हमें कमेंट करके बताएगा। इस रेमेडी को लगाने के बाद ना सचमुच दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और एक बार में स्किन बहुत ही ज़्यादा शीशे के जैसे चमकदार दिखने लग जाती है। स्किन पर सोने सा निखार देखने को मिल जाएगा आपको, और क्या कहना है, स्किन इतनी ज़्यादा ग्लोइंग, ब्राइटनिंग, वाइटनिंग दिखे तो दिल तो खुश हो जाएगा ही ना। और स्किन पर अगर कोई भी डार्क स्पॉट्स ना हो, पिगमेंटेशन हो, झाइयाँ सही हैं, सब स्किन को बहुत ज़्यादा बेकार दिखाने लग जाते हैं, तो वो सब ना हो तो स्किन बहुत ज़्यादा और खिला खिला दिखने लग जाते हैं। तो हमने रोज वाटर स्प्रे कर लिया है स्किन पर और इसके बाद एक क्रीम भी लगाने वाले हैं, तो उसके लिए बने रहेगा। और कुकुम्बर क्रीम आप लोग शायद मैंने पहले भी शेयर करी हुई है फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा वीडियो। तो एक क्रीम लगा लेंगे जिसके लिए और ज़्यादा कुछ तो चाहिए नहीं, एकदम सिंपली तरीके से मैं इस क्रीम को बना रही हूँ, जो लेकिन इसका बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। तो खीरे का जूस थोड़ा सा हमने ले लिया है, लगभग 2 चम्मच के आसपास। उसके बाद इसमें हम आधा 1 चम्मच के आसपास या उससे भी कम आप ले सकते हैं एलोवेरा जेल, जो कि मार्केट से ख़रीदा हुआ एलोवेरा जेल लेना है। मैं आधा चम्मच के आसपास ही ले रही हूँ और खीरे का जूस भी लगभग 1 चम्मच के जितना या थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एकदम क्रीमी सा टेक्सचर बन के रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें हम विटामिन ई ऑयल डाल देते हैं, जो कि है आलमंड ऑयल। इसकी जगह आप चाहे तो विटामिन ई कैप्सूल ऑयल भी ले सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हो गया हमारा क्रीम तैयार। इसको बनाकर आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और हफ्तों भर के लिए यूज कर सकते हैं और डे और नाइट में भी लगा सकते हैं। स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, चमकदार दिखने लग जाएगी और बहुत ही ज़्यादा स्किन पर चमक और ग्लो आ जाएगा। और उसके बाद स्किन पर जितनी भी समस्याएँ हैं ना, डार्कनेस है, झाइयाँ साइयाँ जो भी, वो सब दूर होने लग जाएगी। इस क्रीम को लगाते समय आपको ध्यान देना है कि अपर डायरेक्शन में लगाना है और सर्कुलेशन मोशन में आपको मसाज करते हुए लगाना है। मसाज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्किन पे ग्लो लाता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है ना, तो स्किन चमकदार भी दिखती है। और इस तरीके से आप इस रेमेडी को लगाते हुए मसाज करें ना, तो झुर्रियाँ झाइयाँ तो खत्म होगी, रिंकल्स फाइलेंस की समस्या दूर होगी, स्किन काफ़ी तेज़ी से टाइट होने लग जाएगी, जवा और खूबसूरत दिखने लग जाएगी, जिससे आप अपनी उम्र से 5 से 10 साल तक कम दिख सकते हैं। तो रेगुलरली लगाना होता है, DIY पे भरोसा करें ना, तो आपको कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको कभी भी कोई स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को मेरा ये आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और न्यू है चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लाती रहती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत ही ज़्यादा थैंक यू सो मच। और देख पा रहे स्किन मेरी कितनी ज़्यादा फ्लॉलेस दिख रही है, ग्लोइंग ब्राइटनिंग दिख रही है, तो एक कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो देखी है और वो भी पूरी देखी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही आप अपना ध्यान रखते रहिएगा और क्रीम को लगा लेने के बाद
आप देखेंगे ना कि स्किन पर मेकअप शेकअप की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और स्किन ऐसे ही बहुत ज्यादा चमकदार दिखने लग जाएगी। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, बस हल्का सा लिप कलर लगा ले, एक बिंदी लगा ले, उतने में ही लगेगा कि आपने मेकअप किया है। और वीडियो खुद देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।